हाँ भाई बच्चों, वो वीडियो एक्चुअल में क्या है, बनाने के बाद वो बीच में कुछ ब्रेक हो गया था, तो यहाँ से वापस से वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपका वीडियो दो पार्ट में है ये, ठीक है ना? तो दो लिंक रहेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए राइट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम का वो पार्ट जो सेप्टा के पास प्रेजेंट होता है, नहीं राइट एट्रियम हो गया, इसका वो पार्ट ये सेप्टा के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवल डिप्रेशन। ठीक है, और इस ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो फीटल लाइफ होती है ना, किसी फीटल लाइफ होती है ना, जो बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है, तो उस टाइम पे क्या करता है, ये इसको जोड़ के रखता है, इनके साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना? लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट कंडीशन में आता है, तो ये क्या करता है, डिप्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, डिप्रेशन के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं विस्टिजियल ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, चलो अब देखो इसके आता है बाइकास्पिड वाल, ट्राइकास्पिड वाल। बाइकास्पिड वाल जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। ट्राइकास्पिड वाल जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। इनको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं वाल फ्रॉम कोलेप्सिंग, यानी कि ये वाल्व को फटने से रोकते हैं, वाल्व को फटने से रोकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ जुड़े होते हैं, ये वेंट्रिकुलर वॉल से भी जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं पेपलरी मसल्स। ये वेंट्रिकुलर वॉल की पेपलरी मसल से भी जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आज का ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब आएगा आपका अब आता है वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखता चलता हूँ मैं आपको। वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है, दैट मींस इसके पास हार्ट बीट प्रेजेंट होती है, इनिशिएट करती है। ठीक है, ठीक है, अब इसका जो पाथ ऑफ कंडक्शन इम्पल्स होता है, यानी कि इम्पल्स कैसे एक जगह दूसरे जगह जाती है, वो बताया गया है। तो सबसे पहले सेनिटोरियल नोड्स होते हैं, साइनोएट्रियल नोड्स होते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम के पास प्रेजेंट होते हैं। इनकी ओपनिंग कहाँ होती है, सुपीरियर वेना कैवा में होती है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से इम्पल्स जब स्टार्ट होती है, कहाँ जाती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से होती हुई बंडल ऑफ हिस में जाती है, देन यहाँ से परकिंजे फाइबर्स के अंदर जाती है। तो यहाँ पे ये परकिंजे फाइबर्स में क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक सिंपल छोटा सा पाथवे होता है कि जब इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, ऐसे से ए वी की तरफ, ए वी से बंडल ऑफ हिस की तरफ, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स की तरफ। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा फ्लो चार्ट होता है। ठीक, यहाँ के बाद अब आपका मेन टॉपिक आता है, छोटा सा एक और टॉपिक आता है कार्डियक साइकिल। यही बता देता हूँ मैं आपको, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो हार्ट बीट होता है ना कंसिस्टली, उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है ना, ये कितना टाइम लगता है, मतलब एक बार हार्ट जब लब करता है, डब करता है, साउंड करता है, ठीक है, तो ये इसमें कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल। यानी कि एक कंडीशन आती है कॉन्ट्रेक्शन की, एक आती है रिलैक्सेशन की। तो जब सिस्टोल कंडीशन होती है, उसको बोल ये होती है कितनी, 0.3 सेकेंड का टाइम लेती है, और कंप्लीट डायस्टोल कंडीशन में क्या होता है, 0.4 सेकेंड लगते हैं। और एक कंडीशन आती है कि जब एट्रियल सिस्टोल करता है, एट्रियल पार्ट सिस्टोल करता होता है, 0.1 सेकेंड। तो ये तीनों को मिला के हम, ये तीनों जब फंक्शन करते हैं एक साथ, तो ये कहलाती है कार्डियक साइकिल। ठीक है, और इन तीनों का ये टाइमिंग दे रखा है, ये टोटल टाइमिंग कितना हो गया, 0.8 सेकेंड होता है। ठीक है, एक हार्ट बीट का पूरा टाइम। ठीक, अब आ जाओ आज का लास्ट टॉपिक फ्लो ऑफ हार्ट पे। ठीक है, ये और देख लेते हैं, देखिए फ्लो ऑफ हार्ट सिंपल है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप समझ लो उसको।
कि सबसे पहले कहाँ होता है, वेना केवा। वेना केवा से क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है और ये कहाँ जाता है, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, ट्राइकास्पिड वाल्व क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे और ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। यहाँ पे क्या होते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये क्लोज हो जाएंगे और सेमिनर वाल्व क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे और ब्लड कहाँ आ जाएगा, लंग्स में। क्या होने के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाएगा, ओ बी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ से रिटर्न बैक करेगा कहाँ पे, हार्ट में, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेंट्रिकल से थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, जो लेफ्ट पार्ट होगा, लेफ्ट ऑरिकल वाला पार्ट होगा, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या करेगा, ब्लड क्या करेगा, बाइकास्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइकास्पिड वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओटा के अंदर। एओटा क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी वाला पार्ट होता है, ठीक है, और बाइकास्पिड क्लोज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से फिर बाकी टिश्यूज के अंदर सप्लाई चालू हो जाती है, ठीक। तो ये एक सिंपल सा फ्लो है, वापस देख लो। फ्लो ब्लड क्या होता है, वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ट्राइकास्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं, ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकुलर में। यहाँ से ब्लड क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ जाता है और यहाँ पर ट्राइकास्पिड वाल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सेमिनर वाल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो रिटर्न्स बैक कहाँ करता है, हार्ट में, बाय पल्मोनरी वेंट्रिकल के थ्रू। अब उसके बाद ये कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, ये पार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ब्लड बाइकास्पिड वाल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओटा के अंदर। और एओटा क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है और इस टाइम पे बाइकास्पिड वाल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं और सेमिनर वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और पूरे टिश्यू में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है, हार्ट बाई पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं शायद गलत टर्म बोल दिया होगा, पल्मोनरी वेन में थ्रू जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कौन डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे सर्कुलेट किए थे, डिस्कवर किए थे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, टू फेजेस होते हैं ब्लड के, ठीक है। पहला हार्ट ब्लड क्या हो गया, फेस ब्लड हार्ट से ट्वाइस बार, मतलब दो बार मूव करता है, इसलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या होता है, पल्मोनरी राइट साइड में होता है, सिस्टमिक क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देख लो, अब ये सब चीज़ें अब हो जाती हैं क्योंकि ब्लड क्या कहते हैं, दो बार मूव करता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक। अब एक चीज़ और देख लो, प्रिवेंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इस ये जब चीज़ें डबल सर्कुलेशन होता है तो यहाँ पे जो ब्लड होता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम फिशेज का बात करें तो फिश में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है क्योंकि वहाँ पे लंग्स नहीं होते, वहाँ पे लंग्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजनेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। तो फिशेज के अंदर जो ऑक्सीजनेशन होता है किसमें होता है, गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।